नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तरांचल टेक्नो में। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि नया साल आप सभी को ढेर सारी खुशियां और कामयाबी दे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के उन जगहों के बारे में जिनके बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ पर भूत प्रेत और आत्माओं का वास है। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली वैसे तो एक छोटा शहर है, लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो आइए जानते हैं इन जगहों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली के फिरोजशाह कोटला किले की। इस किले का निर्माण तुगलक द्वारा 14वीं शताब्दी में करवाया गया था और यह लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है। यह किला काफ़ी हद तक खंडर हो चुका है और अंग्रेजी इतिहासकार और लेखक विलियम डैलरिम्पल की किताब सिटी ऑफ जींस में भी इसका जिक्र किया गया है। लोगों का कहना है कि इस किले के अंदर जिन्न रहते हैं और शाम होते ही वह इस किले के अंदर घूमने लगते हैं। यही कारण है कि रात के समय इस किले के आसपास भी कोई नहीं जाता है। दूसरे नंबर पर है दिल्ली का भूली भटियारी महल। इस जगह का नाम यहाँ की देखरेख करने वाली भूली भटियारी के नाम पर पड़ा है। यह दिल्ली की उन भूतिया जगहों में से एक है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दिल्ली के व्यस्त इलाके करोलबाग में स्थित इस किले का निर्माण फिरोजशाह तुगलक ने अपनी शिकारगाह के रूप में करवाया था। इस जगह पर जाने के बाद आप लोगों को एक अजीब सी खामोशी का एहसास होता है। वीरान जंगल के सन्नाटे में आप अपनी सांस और धड़कन तक को महसूस कर सकते हैं। यह इलाका इतना खतरनाक है कि शाम के बाद यहाँ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया जाता है। तीसरे नंबर पर है दिल्ली का द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन। द्वारका सेक्टर 9 के इस मेट्रो स्टेशन को यहाँ होने वाली अजीब और गरीब घटनाओं के चलते भूतिया बोला गया है। लोगों का कहना है कि स्टेशन में एंट्री करने से पहले एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसमें एक औरत की आत्मा है जो दिन के समय अचानक कहीं से भी निकल आती है। बहुत से लोगों को यहाँ थप्पड़ लगने का अनुभव हुआ है। कई लोगों ने तो सिहरन पैदा करने वाली ठंड का अनुभव भी किया है। यहाँ तक कि अचानक भूत दिखने की वजह से एक्सीडेंट तक का लोगों ने दावा किया है। चौथे नंबर पर है दिल्ली का हाउस नंबर W3। दिल्ली के सबसे पॉश एरिया में से एक ग्रेटर कैलाश में स्थित W3 पिछले 3 दशकों तक खाली पड़ा रहा। यहाँ एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या उनके योग गुरु ने कर दी थी और उनके शव को पानी की टंकी में डाल दिया था। इस घर के बारे में लोगों का कहना है कि घर से रोने, फुसफुसाने और हंसी की आवाज़ें आती रहती हैं। उन्होंने तो यह तक भी दावा किया है कि यहाँ घर के अंदर कोई अक्सर घूमता रहता है। पाँचवें नंबर पर है फिनिक्स शू फैक्ट्री। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 7 में एक BPO का ऑफिस है जहाँ पहले फिनिक्स शू फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन सन 2015 में लगी भयंकर आग में पूरी फैक्ट्री जल के राख हो गई। बताया जाता है कि इसमें करीब 200 औरतें और बच्चों की मौत हुई थी। यहाँ काम करने वालों का कहना है कि कंपनी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें बंद रखा गया है। लोगों को अक्सर यहाँ से रोने और चिल्लाने की डरावनी आवाज़ें आती रहती हैं। छठे नंबर पर है दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट या दिल्ली छावनी वैसे तो दिन के समय बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन अंधेरा घिरते ही यह जगह किसी भूतिया जगह सी लगती है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक महिला की हत्या कर दी गई थी जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ सफ़ेद लिबास में भटकती रहती है। लोगों की माने तो यह महिला यहाँ से निकलने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है और फिर गायब हो जाती है। कभी कभी यह गाड़ी के साथ साथ भी भागती है। तो अगर आप भी इन जगहों में से कहीं गए हैं और आपने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया है तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।